हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की। देखिए ये किस तरीके से काम करता है फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर में कोई भी काम कब होगा, कैसे होगा, यानी इसके लास्ट में गा गे या गी इस टाइप के वर्ड्स आते हैं, इस टाइप की साउंड आती है। तो ये कैसे बनेगा सेंटेंस, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे होगी, देखते हैं। देखिए इसकी आइडेंटिटी जो है, इसकी अगर बात करें तो आइडेंटिटी होती है गा गे या फिर गी, यानी फ्यूचर में ये काम होगा। मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल क्लास में पढ़ाऊंगा, या हम सब मार्केट जाएंगे। तो इस टाइप के सेंटेंस साउंड आती है लास्ट में गा गे और गी। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, दो हेल्पिंग वर्ब होती है इसके अंदर, एक होता है विल और एक होती है शैल। ठीक है, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों का भी डिवाइडेशन किया गया है। देखिए कैसे हुआ है, आई और वी के साथ में शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है आपको, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ में विल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, ओनली आई और वी के साथ शैल का यूज करना है। वैसे आप इनके साथ भी अगर विल का यूज करेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर तरीके से अकॉर्डिंग टू रूल्स चले तो आई और वी के साथ आपको शैल का यूज करना होगा। ठीक है, और इसके अंदर इस टेंस में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसका पॉजिटिव आंसर बनता है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, सकारात्मक वाक्य जिसको कहते हैं, वो किस टाइप से बनेगा। सबसे पहले आएगा पॉजिटिव आंसर, और सबसे पहले इसके अंदर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ओके, स्ट्रक्चर जब तक आपको किसी भी टेंस का समझ नहीं आएगा तब तक आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये भी ध्यान रखें कि स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आया है और उसके बाद क्या आया है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में एडवर्ब। एडवर्ब पता ही आपको किस टाइप के किस टाइप के वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स जो टाइम को इंडिकेट करते हैं उनको एडवर्बियल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमने कहा मैं कल विद्यालय जाऊंगा, इस टाइप का सेंटेंस है ये। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, गा आते ही आप समझ गए कि फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है। ठीक है, अब सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ में आप चाहें तो डबल एल इस तरीके से विल या शैल का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको केस का यूज करना है आई शैल। वर्ब क्या है, जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो, इसकी फर्स्ट फॉर्म लगा दी हमने, गो के बाद हमेशा टू का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट है विद्यालय, इसके बाद एडवर्ब है कल, आने वाले कल की बात हो रही है इसलिए टुमारो। तो ये सेंटेंस बन गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की, कि क्वेश्चन अगर बनेगा कि जैसे हमको किसी से कोई प्रश्न पूछना है कि क्या तुम कल विद्यालय जाओगे, कल तुम ये काम करोगे, कोई सा भी कार्य, कल या आने वाले भविष्य में कभी भी, तो किस तरीके से बनेगा देखिए। इसके अंदर ओनली क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, इसके बाद सब्जेक्ट, देन आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में एडवर्ब। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देखिए सेंटेंस कैसे बना है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या तुम अगले सप्ताह दिल्ली जाओगे, यानी क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पूछा है तो क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल दो है। क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, तुमसे, तो तुम के साथ में यू, यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, विल, क्योंकि आई और वी के साथ शैल है, बाकी सबके साथ विल है। तो सबसे पहले यहां पर लिख दिया हमने विल, सब्जेक्ट है तुम, यू वर्ब है जाना, जाने की इंग्लिश गो टू DEL Delhi, ओके। एडवर्ब क्या है, अगले सप्ताह यानी नेक्स्ट वीक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बन गया, और आपने देख लिया कि पॉजिटिव आंसर और क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछेंगे आगे फ्यूचर के बारे में, क्या तुम भैया ये काम करोगे या नहीं करोगे, तो उसकी इंग्लिश स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग
बनेगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट का यूज करना होता है और नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, इसके बाद वर्ब फर्स्ट, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड इन लास्ट एडवर्ब। ओके, जैसे कि रोहन कल एक पत्र नहीं लिखेगा। ठीक है, अब देखिए नहीं वाला सेंटेंस है, नहीं नोट आ गया, इसमें सब्जेक्ट क्या है, रोहन, रोहन के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, विल, क्योंकि नाम है और नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब विल आ जाएगी, नोट की जगह नोट आ जाएगा। वर्ब फर्स्ट क्या है, लिखना, लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आ गया राइट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र यानी अ लेटर। एडवर्ब क्या है, कल, आने वाले कल की बात हो रही है तो टुमोरो। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में आपको बता दिया है। तो रोहन कल एक पत्र नहीं लिखेगा, इसकी इंग्लिश क्या बन गई, रोहन विल नॉट राइट अ लेटर टुमोरो। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस बने हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस ही क्लियर हुआ है आपका, और अगर कोई भी डाउट रहता है आपको तो आप सब्सक्राइब करने पर जो नंबर मिला है उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।